खबर बलिया जनपद से, जहां रष्टा नगर पालिका परिषद के वार्ड संख्या एक में संत रविदास नगर स्थित प्राथमिक विद्यालय रष्टा नंबर चार के प्रांगण में सोलर लाइट सिस्टम का अनावरण रविवार को बतौर मुख्य अतिथि उपजिलाधिकारी प्रभु दयाल एवं नपा कार्यवाहक अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सोनी ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। कार्यवाहक अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सोनी ने कहा, विद्यालय के शिक्षण व्यवस्था में सोलर लाइट सिस्टम वरदान साबित होगा, क्योंकि बिजली रहे या न रहे, विद्यालय के प्रोजेक्टर, पंखा, प्रकाश आदि सुविधाओं के साथ ही अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग आसानी से किया जा सकेगा। वहीं एसडीएम प्रभु दयाल ने बताया कि यह पूरा सोलर प्लांट 12 केवी का लगाया गया है, जिसकी लागत 35 लाख है और इस प्रोजेक्ट से पूरे वार्ड में बिजली रहे या न रहे पूरे वार्ड को प्रकाशित करती रहेगी। जितने भी रोड लाइट लगे हैं इनके द्वारा जलेंगे, जिससे बिजली बिल में भारी कटौती होगी और इससे आसपास के लगभग 100 रोड लाइट जलेंगे। इस कार्यक्रम में मथुरा पीजी कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर रामानुज मिश्रा, दिनेश वर्मा, संदीप सोनी, गोपाल संजीत आदि लोग मौजूद रहे। सभासद लाल ने आए हुए सभी का आभार प्रकट किया। प्राथमिक विद्यालय नंबर चार पे नगर पालिका परिषद द्वारा बहुत ही जनोपयोगी शुरुआत की गई है। सोलर लाइट का ये 12 किलो वाट का प्लांट लगाया गया है। वार्ड नंबर एक जो मलिन बस्ती है, अर्जन बस्ती है, इसका उद्देश्य ये है कि जो भी हमारे गलियों में लाइट लगी हैं वो लाइटें सोलर लाइट से जलेंगी। सोलर लाइट से जब लाइटें जलेगी तो हमारा जो बिजली का खर्च आता है, बिजली का जो बिल आता है, उस बिल में भारी कटौती होगी और बाकी विद्यालय के यूज के लिए ये लाइट रहेगी और हमारे पूरे वार्ड के लिए रहती है, उस पूरे वार्ड के लिए इस प्रकाश की व्यवस्था इसमें रहेगी। इसकी लागत कीमत कितनी है? 35 लाख में ये बना है, एक प्लांट और बनना है 6 किलो वाट का, उसका भी काम शुरुआत हो गई है। तो ये इतनी उपयोगी है कि बिजली सप्लाई रहे चाहे ना रहे, फिर भी प्रकाश के लिए कोई दिक्कत नहीं रहेगी, गली गली में प्रकाश रहेगा। इसके लिए शायद 95 लाइटें लगाई गई हैं और जहां भी ज़रूरत पड़ेगी और भी लाइटें लगा दी जाएंगी। पूरे वार्ड को सोलर लाइट से ही प्रकाशित करने की ये सोच है नगर पालिका की और मेरे विचार से ये सबसे अच्छी सोच है।